इंदिरा की कहानी सुन जली अनुज के दिमाग की बत्ती। अब अंकुश और बरखा की खैर नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज इंदिरा को अनुपमा वापस लेके आई। कैसी हालत थी इंदिरा जी की देखकर सच में बहुत ही बुरा लग रहा था। और बहुत ही बढ़िया तरीके से अनुपमा ने रील बनाने वालों को मैसेज दिया, जो किसी की ऐसी दशा की रील बनाकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे दोस्तों, मगर उम्मीद है कि ये उन तक मैसेज पहुंचे, क्योंकि अगर वो देखते होंगे सीरियल तभी वो मैसेज समझ पाएंगे। तो खैर, इस उम्मीद के साथ ही ये सीन बना है कि उन तक ये मैसेज पहुंचे, और जरूर पहुंचेगा। मगर एक और इसी धारावाहिक से रिलेटेड मैसेज जो है इंदिरा जी की कहानी से निकल रहा है, जो अनुज तक पहुंच रहा है। तो बात करते हैं उसके बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कल भी हमने इंदिरा जी की बात पे बात की थी कि धोखा हुआ है उनके साथ, और वो धोखा कैसे हुआ है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि उनसे प्रॉपर्टी का कुछ साइन करवाना होगा। इसके लिए वो बहला फुसला कर लालच देके इंदिरा जी को लेके गए हैं, मगर अमेरिका लेके नहीं गए हैं, हैं वो यहीं पे इसी होटल में और वहीं हैं वो। तो अनुपमा कैसे इंदिरा जी को लेके आई अपनी एम्बुलेंस में, जो अनुपमा के एम्बुलेंस है उसको कुछ नहीं मिलता तो ठेला तो मिल ही जाता है, और ठेले वाले ने अनुपमा का साथ दिया, ये देखकर अच्छा लगा। क्योंकि बाकी लोग तो सब वीडियो बनाकर गाली खाकर चले गए, मगर ठेले वाले ने साथ दिया, और जो अनुपमा लेके आई है अपने एक पैर की ताकत पे इंदिरा जी को, वो कमेंडेबल है। तो खैर, कल इंदिरा जी आशा भवन में आएंगी, उनका पूरी तरह से जो उनको खिलाया पिलाया जाएगा, उनको थोड़ी ताकत दी जाएगी ताकि वो अपनी बात कर सके। अब इंदिरा जी सिर्फ डरी हुई हैं, वो मेंटली रिटायर्ड नहीं है, या उनके ऊपर कुछ ऐसा नहीं है कि वो पागल है। वो इतनी बुरी तरह से डर गई है कि जिस सपने के साथ वो अपने बेटे के साथ गई थी, वो सपना तो एक दुःस्वप्न निकला, एक ऐसा भयंकर सच निकला जिसको इंदिरा जी देखकर हैरान हो गई। टॉर्चर हुआ इंदिरा जी के साथ, वो उनकी शक्ल से उनके बालों से साफ नजर आ रहा है। मगर जब ये टॉर्चर की कहानी इंदिरा जी सुना रही थी, जिन्होंने नहीं नोटिस किया उनको मैं बता दूं कि उस समय अनुज के एक्सप्रेशन जो है दिखाए गए, अनुज भी आंखें फाड़ फाड़ के सुन रहे थे कि ये जो बोल रही है ये क्या बोल रही है, कि जबरदस्ती मुझसे अंगूठा लगवाया गया, ये हुआ वो हुआ, पूरी कहानी वो बताएंगे। और अनुज जब ये कहानी सुनेगा उसको भी वो फ्लैशेस आएंगे कि भाभी और भैया ने कैसे उससे अंगूठे या साइन करवाए, कैसे उसको ये आध्या की बात बोल बोल के, आध्या ऐसे है आध्या वैसे है, तुम कैसे करोगे, तुमको तो आध्या को ढूंढना है, साइन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, कर करके उन्होंने मुझसे साइन करवाए। वो भी याद आएगा कि कैसे उन्होंने मुझे बताया कि आध्या मर गई है। अनुज को अपने साथ किया हुआ धोखा भी इंदिरा की कहानी से समझ में आएगा कि भाई ये जो इंदिरा जी बोल रही हैं यही बात मेरे साथ हुई है, इंदिरा के बेटे और बहू ने किया है, मेरे भाई और भाभी ने किया है। तो दोस्तों, ये जो अब होगा ये अनुज का एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, एक और ठीक की तरफ जाने का कदम है। पहला कदम आध्या, जिसको देखकर अनुज को तसल्ली हो गई कि आध्या जिंदा है, और आध्या को ढूंढने के लिए उसके अंदर एक नई उम्मीद आ गई, एक नया मनोबल आ गया। अब उसके बाद जब सब चीजें ठीक हो रही हैं, तो ये जब कहानी अनुज के सामने आएगी तो इस कहानी की तरफ भी वो बढ़ेगा, और इस कहानी को भी एक अंजाम तक पहुंचाएगा कि मेरे साथ अन्याय कैसे हुआ, प्रॉपर्टी ले लेते, सब ले लेते, कोई चक्कर नहीं था, मगर मेरी आध्या को मरा हुआ क्यों बताया। तो दोस्तों, अब ये बरखा और अंकुश जो ये सोचकर बैठे हैं कि अनुज पता नहीं कहां पे है, अनुपमा को मिलेगा तो बात बनेगी, अनुपमा के पास तो अनुज है ही नहीं, वो एक तसल्ली के साथ बैठे हैं, हो सकता है यहां से फिर से शिफ्ट भी हो गए हो या यहीं पे होंगे। मगर अब अनुज और अनुपमा मिलकर बरखा और अंकुश की भी खाट खड़ी करने वाले हैं, तो मजेदार होगा, क्योंकि अब अनुज इस कहानी के बाद अपने उस धोखे को भी याद करेगा जो उसके साथ अंकुश और बरखा ने किया है। क्या कहते हो आप इसके बारे में,
कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स. थैंक यू सो मच. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.